हमारा टारगेट हमेशा याद रखना चाहिए, और ये याद रखने के लिए ये अवसर, ये इन्वायरमेंट, वातावरण बनाने के लिए भी हमेशा पुण्य वाला माहौल बरोबर बनाते जाना है। आज ये पुण्य का माहौल बनाने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो पंत जी यहाँ आए हैं, उनके लिए 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। जैसे उनको फोन करके निमंत्रण किया था, उनका पहला वाक्य यही था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार आ रहा है। इसके बावजूद भी ये धम्म के लिए, ये पुण्य पारमी के लिए पंत जी आए, फिर से उनको दिल से साधुवाद देता हूँ। अभी पूजनीय पंत जी को हम दान देंगे, पंत जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पंत जी का तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी पंत जी हमारे लिए यहाँ आए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म की बातें, धम्म देशना सुनाए आप लोगों के लिए, और ऑनलाइन देखते रहे सारे लोगों के लिए भी खूब अच्छे उपदेश सुनाए। अभी पंत जी को दान देंगे, वो दान का थाली लेके आइए। पंते जी के प्रचंड आयु आरोग्य के लिए, पंते जी के निरोगिता के लिए, क्योंकि पंते जी अभी बहुत बड़े मुसीबत से, बहुत बड़े बीमार से आए हैं, पंते जी को बुद्ध शासन के लिए बहुत जरूरी है। बड़े पंते जी रहेंगे तो बहुत बड़े बड़े पुण्य कार्य भी होता रहेगा, इसलिए पंते जी को जितना दान दो उतना कमी है, अच्छी जगह पे जाता है। इसलिए पंते जी को हमने जिस तरह से बोले है, ये 50,000 पंत जी के लिए, पंत जी के उद्दंत आयु आरोग्य के लिए पंत जी को दान देंगे। बोलेंगे पंत जी हमारे पुण्य पारमिताओं के लिए, पुण्य पारमिता के लिए बहुत श्रद्धा से भिक्खु के जीवन को अच्छे बनाने के लिए अर्थदान बहुत श्रद्धा से देने जा रहे हैं हमारे सभी के उत्तम कर्म के लिए इस दान का स्वीकार करें। दानं ददन्तु सदा शिलं रखन्तु सर्वदा भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। दान बल से आप सभी का मंगल हो, आप सभी को आयु वर्ण सुख और बल प्राप्त हो। साधु साधु साधु। 3 बार प्रणाम कीजिए। बेटा पूजनीय भिक्खु संघ के तरफ से 1 मिनट। दान दिया, थैली लेना पड़ेगा एक। पूजनीय प्लास्टिक थैली ले। भिक्खु संघ की तरफ से पंत जी के उदंत आयु आरोग्य सुस्वास्थ्य के लिए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा हम आशीर्वाद गाथा बोलेंगे। सबेतियो विवजन्तु सबरो गोविनशतु माते भवन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते
भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं पाचितं तुयं कृपमेव समेचतु सभे पुरेन्तु चित संकप चन्दो पनरसो यता आयु आरोग्य संपाति सर्ग संपाति मेव च अतो निबान संपाति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु। फल फ्रूट का एक टुकड़ी ले लो पंडित जी को डांट देना। थोड़ा आगे आके दान दीजिए पंडित जी को दान। साधु साधु साधु। साधु 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 मंगल उसके दिखाई को पूजने भिक्षु संघ को दान दे रहे श्रद्धावान उपासिका सरोरे 10th क्लास पढ़ रही है। अभी एग्जाम में 97 आया बंटी जी, बहुत अच्छे पढ़ते। 97 लाया एग्जाम में। हाँ बहुत पढ़ती है। 97 हाँ बहुत बड़ी मेरिट लिया। बहुत अच्छा। आईएएस ऑफिसर बनना रहे उधर से डाल। आईएएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर बनना रहे। छान छान खूब चांगली तैयारी बोला लेता है। सुखी हो मंगल हो कल्याण हो सुखी हो मंगल हो। साधु साधु साधु। सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। हाँ श्रद्धापूर्वक दान दे के अच्छे से वंदना करते करते दे दो। दूसरा दे दो। सुखी हो मंगल हो। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्खन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। वसुंधरा साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्खन्तु सर्वदेवता सर्वभावेन भवे सङ्गान् भवे मंगल हो। पंडित जी को एक पिशु ऊपर रहेगा या उधर नहीं वहां भी रहेगा सर। बहुत तो एक आशीर्वाद भी आशीर्वाद लिख दीजिए दान का ही। इस दान बल से आपका जो दान है वो बुद्ध गया से आपको बहुत बहुत पुण्य पारमिताएं देगा तो इसलिए तुम्हारा आपका दान ये बोधगया में जाएगा और जो कुछ वास्तु बनी है उस वास्तु में इसका और डेवलपमेंट होगा। तो इस दान के बल से जब तक वो वास्तु वहां रहेगी तब तक आपका दान वहां अमर रहेगा
और साक्ष्य देगा आपके दान की। तो इस दान के बल से आपके लिए मंगल कामना है। इस दान के बल से आप सभी को आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति और बल मिले, ऐसी मंगल कामना तथागत के मुख से निकली हुई मंगल गाथा से व्यक्त करते हैं। सफीन्तियो विवच्छन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादन शीलचं निचं गुड्डापचायिनो चत्तारो धम्म बढ़न्ति आयु वन्नो सुखं बलं भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। आज पूजनीय भंते जी को हम अपने श्रद्धा से जिस तरह 50,000 दान दिया, आगे जाके इससे और ज़्यादा दान देंगे, ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। भंते जी को या पूजनीय भिक्खु संघ को जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वहाँ अपना श्रद्धा बल प्रबल करते हुए दान देते जाना है, ऐसा संकल्प लेना है, अधिष्ठान करना है। जितना दान देंगे उतना पुण्य रूपी संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएगा। बाकी जितना भी दान संपत्ति कमा के रखो, हमारे मरने के बाद कोई और मौज करेगा, कोई और ही प्रयोग करेगा। इसलिए जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही वो पुण्य रूपी संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे पुण्य रूपी संपत्ति संग्रह करते हैं, ऐसे पुण्य रूपी संपत्ति संग्रह करने के लिए उपदेश देते हैं। तो हम भी ऐसे पुण्य और करते जा सके, अपने आप को और जो किया उन लोगों के लिए भी तीन बार साधु साधु बोलेंगे। साधु साधु साधु। नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।